ऊर्जा की सभ्यता से भी लगा सकते हैं जो आज भी हमारे प्रदेशों में जारी है। घुसपैठिए, आज भी तुम्हारी धूर्त चालाक कौम आदिम प्रदेशों में घुसपैठ कर रही है, फैला रही है अपनी भगवा अंधभक्ति के परचम। नई नई कपोल कथाओं से हो रहा है प्रवचन, हमारे ही पहाड़ों से झटते जल स्रोतों और पत्थरों को महिमा मटन कर अपने आश्रय स्थल के रूप में देव स्थान बना रहे हो तुम। तुम जीत नहीं सकते जिनको बल से, तुम जीत नहीं सकते जिनको बल से छल से रणनीति बना रहे हो। होगी कई मंडपों में धार्मिक सभाएं, देवी देवताओं के जमघट लगाओगे तुम, कर्मठ जनजातियों को श्रद्धा और भक्ति के नाम पर गुलामी के पाठ पढ़ाओगे। जैसे एक लव्य का अंगूठा काटा था द्रोणाचार्य ने, वसूलों के उनके खून पसीने की गाढ़ी मेहनत की कमाई दक्षिणा में आदिवासियों की प्राकृतिक संपदा को संस्कृतिकरण से हथिया रहे हो। अरुणाचल के पहाड़ों के गोलाकार लंबे पत्थरों को तुम लिंग के रूप में बताकर सिद्धेश्वरनाथ मंदिर बना रहे हो। देखा है मैंने उन्हीं पहाड़ियों में वैसे ही सुडोल आकार के सैकड़ों हजारों पत्थर कुदरत की बनाई ज्ञाता सिनाई झील को गंगा झील तुम बना चुके हो। इस झील में मिथुन की लोक कथा का इतिहास स्वयं बयां कर रहा है अपनी नैसर्गिकता का और प्रदेश की जनजातियों की संस्कृति, इतिहास, जीवन शैली और वजूद का। आज भी तुम्हारी धूर्त चालाक कौम आदिम प्रदेशों में घुसपैठ कर रही है और इसका जीवंत उदाहरण है 13 फरवरी 2019 को आने वाला आदिवासियों की बेदखली का फरमान।